क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट साइंस, और चैप्टर थर्ड रनिंग ऑन दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। इसके अंदर अभी तक हमने वूल के बारे में पढ़ा है, एनिमल्स दैट यील्ड वूल एंड रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप के बारे में पढ़ा, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, कि क्या प्रोसेसिंग है जो फाइबर को वूल बना रहे हैं। अलग अलग स्टेप्स हैं इधर, हम सब डिस्कस करेंगे कैसे ये फाइबर को वूल में बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट टू प्रोसेस द हेयर और फ्लीश ऑब्टेंड फ्रॉम द एनिमल्स इनटू वूल। फ्लीश और हेयर एक ही चीज है जो एनिमल्स की बॉडी पर होते हैं, उनको कैसे प्रोसेस करते हैं ताकि वूल बने। सबसे पहला प्रोसेस है शियरिंग बोलते हैं, क्लियर। शियरिंग क्या होता है आपसे पूछ भी सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑफ द शिप अलॉन्ग विद द लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड। इसके अंदर क्या करते हैं, थिक ग्रोथ होती है हेयर की जो शिप के ऊपर, अलॉन्ग विद द लेयर ऑफ स्किन, स्किन की लेयर के साथ इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेस से रिमूव करते हैं इनको। देखिए ट्रिमर से रिमूव कर रही है, शिप शेयरिंग कर रहे हैं, ये देखिए लेडी है, ये रिमूव कर रही है इसकी शिप की, ठीक है। इट कैन बी डन इन टू वेज, ये दो वेज में होता है। देखिए यहाँ पे वापस बोले, थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑफ द शिप अलॉन्ग विद द लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड, ठीक है, ये शेयरिंग प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पर, देखिए कौन कौन से दो है, मैनुअली विद लार्ज रेजर, मैनुअली तरीके से देखें तो बड़े रेजर से होता है, जैसे आप सैलून पे जाते हैं तो रेजर से बाल कटवाते हैं आप, ठीक है, सीजर्स एंड रेजर्स यूज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ बड़े बड़े रेजर से हो रहा है, या क्लिपर से करते हैं, या फिर पेयर ऑफ सीजर्स या कैचर से भी करते हैं। विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग मशीन, शेयरिंग मशीन्स भी आती हैं, मैन ए लार्ज नंबर ऑफ शिप हैव टू बी शेयर्ड, ज़्यादा नंबर के करने हैं तो शेयरिंग मशीन से करते हैं, कम का होता है तो मैनुअली मेथड से भी करते हैं। तो दो मेथड से शेयरिंग होती है। शेयरिंग इज कैरिड आउट मैनली ड्यूरिंग समर सो दैट द हेयर ग्रोज बैक इन विंटर। ज़्यादातर शेयरिंग का प्रोसेस कब किया जाता है, समर के अंदर। देखिए हेयर्स क्या करते हैं, बॉडी को वार्म रखते हैं, वार्म। अब अगर हम विंटर्स में इनके हेयर कट कर देंगे तो ये शिप को क्या लगेगी, ठंडी लगेगी, कोल्ड लगेगा, तो वो बीमार हो सकती है, एडवांस बहुत ज़्यादा ठंड से उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये शेयरिंग प्रोसेस समर में कैरिड आउट होता है ताकि विंटर तक उसके हेयर ग्रो करें और वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए यहाँ पर साइंस वाइट्स में भी कुछ अच्छी चीज़ दे रखी है, बोला है द पॉपुलेशन ऑफ शिप इज़ द लार्जेस्ट इन चाइना, चाइना में सबसे ज़्यादा है, इंडिया कम्स द थर्ड जस्ट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, मतलब फर्स्ट चाइना है, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड इंडिया है। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग विच रिमूव्स द अपर लेयर ऑफ द स्किन अलॉन्ग विद द फ्लीस डज नॉट हर्ट द शिप, दिस इज बिकॉज द अपर लेयर ऑफ स्किन इज डेड। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एक्सरसाइज में जब डिस्कस करेंगे कि जब ये हेयर्स रिमूव करते हैं शेयरिंग प्रोसेस से शिप के, तो उसको हर्ट क्यों नहीं होता, देखिए उसके साथ उसकी स्किन लेयर भी रिमूव होती है, तो क्यों नहीं होता, बिकॉज जो उसकी सबसे अपर लेयर होती है स्किन की शिप की, वो क्या होती है, डेड होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट हर्टिंग देम। सेकेंड प्रोसेस होता है स्कॉरिंग। अब आपके हेयर रिमूव हो गए, फ्लीश रिमूव हो गए, अब क्या, इन दिस स्टेप द शियर्ड वूल इज वॉश विद डिटर्जेंट। इसके अंदर जो आपकी शियर्ड वूल है उसको वॉश किया जाता है डिटर्जेंट से, ठीक है, इन लार्ज टैंक टू रिमूव डर्ट, जो उसके ऊपर गंदगी, उसको रिमूव करने के लिए ग्रीस लगा है या स्वेट है, पसीना, उसको रिमूव करने के लिए। इन द लार्ज फैक्ट्रीज मशीन्स आर यूज फॉर स्कॉरिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मशीन्स यूज की जाती है। द वॉश वूल इज ट्रीटेड विद एन एसिड एंड ड्राइड बाय लो हीटिंग, इसको एसिड से भी वॉश किया जाता है, ठीक है, और फिर इसे ड्राई किया जाता है लो हीटिंग में। देखिए प्रोसेस हो रहा है स्कॉरिंग, देखिए इसके अंदर, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन से हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसेस आता है शॉर्टिंग का, SORTING, शॉर्टिंग, ठीक है, अभी तक प्रोसेस हो गया, इसको वॉश भी हो गई और ड्राई भी हो गया। अब शॉर्टिंग, इन दिस प्रोसेस द क्लीन वूल इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर। अब यहाँ पे सॉर्टिंग प्रोसेस हो रहा है, मतलब छांट रहे हैं, ठीक है, छांट रहे हैं मीन्स आप उसको अलग कर रहे हो उनकी किसके बेसिस पर, जो साफ वूल है उनके टेक्सचर के बेस पर अलग कर दिया। इसके बाद आता है सेपरेटिंग बर्स, ठीक है, बर्स आर द स्मॉल फ्लफी फाइबर विच प्रेजेंट इन द फ्लीश ऑफ द शिप, दिस कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द सम ऑफ द स्वेटर्स वी वियर। ये देखिए स्वेटर्स है, इस पर बर्स दिख रहे हैं, हल्के हल्के धागे धागे दिखते हैं, इनको बोलते हैं। द बर्स आर सेपरेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग इज रिपीटेड, यहाँ पे बर्स सेपरेट होते हैं, इससे फिर वापस स्कोरिंग की जाती है, उसको फिर वापस टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसको छाटा जाता है। द हेयर्स आर देन ट्विस्टेड इनटू फाइबर, वहाँ पे फिर जो इनके हेयर्स होते हैं उनको ट्विस्टेड कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है डाइंग प्रोसेस,
ये सब हो गया, बर्स रिमूव हो गए, द फ्लिश ऑफ शिप एंड गॉट इज नेचुरली ब्लैक ब्राउन एंड वाइट इन कलर। नेचुरल जो कलर होता है इनका ब्लैक ब्राउन एंड वाइट होता है। फिर इसके ऊपर अपन को अलग अलग कलर के चाहिए अपन कर सकते हैं डाइंग। इट इज डाइड इन डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अलग अलग कलर से इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें डाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोसेस आता है रोलिंग का। अब जब आपका फायर डाई बन गया पूरा, फाइबर डाई भी हो गया इस पर पूरा, ठीक है। अब रोलिंग होती है, द फाइबर्स आर स्ट्रैंड कॉम्ब्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। ये देखिए बड़े बड़े यार्न्स बन रहे हैं, ये देखिए रोलिंग प्रोसेस हो रहा है, ये बन रहा है इसमें थ्रेड कॉयलों के, ठीक है। ये प्रोसेस होता है ट्विस्टेड होकर यहाँ पे यार्न बनता है। तो टू टाइप्स ऑफ यार्न आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, द लॉन्गर वंस आर नीटेड इनटू स्वेटर। लॉन्ग वाले जो यार्न होते हैं स्वेटर बनते हैं, शॉल्स में काम आते हैं, वाइल द शॉर्टर वंस आर वूवन इनटू ब्लैंकेट्स एंड कारपेट। छोटे वाले किस में काम आते हैं, ब्लैंकेट्स और कारपेट में काम आते हैं। तो ये प्रोसेस है मोस्टली प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल्स में, शेयरिंग प्रोसेस, हेयर रिमूव्स होते हैं, क्लियर। दो टाइप से होता है, मैनुअली भी एंड मशीन से भी होता है। स्कोरिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वॉशिंग एंड ड्राइंग होती है। सॉर्टिंग करते हैं इसको, टेक्सचर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग बर्स में बर्स रिमूव करके फिर वापस स्कोरिंग करते हैं, फिर डाइंग करते हैं, कलरिंग करते हैं इनके ऊपर, फिर रोलिंग करते हैं, इनको यार्न में बदल के अलग अलग रोल्स बनाए जाते हैं इसके प्रोसेस। तो पूरा प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल्स का प्रोसेस है। ये आपके चेक योर नॉलेज है, ये आपको आज असाइनमेंट क्लासवर्क में मिल जाएगा आपको, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में, क्लियर। सो थैंक यू, होप यू लाइक दैट।